हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस. माय नेम इज शवि भड़वाल और मैं आपकी मेंटर हूँ हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के लिए. आई होप आपने मेरी पुरानी एमसीक्यू सीरीज़ भी देखी होंगी. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्लोरा एंड फोना. हमने ऑलरेडी जेएनके ज्योग्राफी में अपना माउंटेन पासेज एंड पीक्स कर लिए, क्लाइमेट कर लिए, क्रॉप्स कर लिए हुए हैं, हमारा रिवर्स भी हमने कर लिए लास्ट सेशन में, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लोरा एंड फोना पे क्वेश्चंस. ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हमारा क्वेश्चन नंबर 221 क्या पूछ रहा है. इन 2021 गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर्ड विच बर्ड एज द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. डिक्लेयर्ड विच बर्ड एज द बर्ड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. किसको यहाँ का स्टेट बर्ड, सॉरी यूटी का बर्ड डिक्लेयर किया गया. हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए ग्रूस निग्रिकोलिस, ऑप्शन नंबर बी लोफियोरा लिकुनमनास, ऑप्शन नंबर सी प्रेडिकुलाटा एसियाटिका, एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रेगोबॉन मेलन मेलोनो सी फेलिस. तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं. तो आपको जो अपने यूटी का बर्ड है, एनिमल है, उनका सारा आपको ये वाले नाम भी उनके लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी लोफ्यूरा लिको मिनलास, लोफ्यूरा लिको मिलनस. तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये किसका नाम है, ये है हमारे बर्ड जिसका नाम, जिसको भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, किसको किया गया, हमारा खलीज फिजेंट को. ओके, अगर हमने यहाँ पर यूटी के बर्ड की बात कर ली है, जेएनके, और ये बात की गई है जेएनके यूटी की, ये बात लद्दाख यूटी की नहीं हुई है. ठीक है, लद्दाख यूटी का अलग है. ओके, तो वो भी हम देख लेते हैं. हमारे यूटी ऑफ, सॉरी यूटी ऑफ जो जेएनके है उसका अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम उसके एनिमल की बात करें तो उसका एनिमल क्या है, हमारा, हमारे यहाँ का क्या है, कश्मीरी स्टैग. क्या है, कश्मीरी स्टैग. तो ये क्या है यहाँ का, यूटी ऑफ जे एन का एनिमल. अगर हम यूटी ऑफ लद्दाख का जो एनिमल है, एंड यूटी ऑफ लद्दाख का बर्ड, यूटी ऑफ लद्दाख का एनिमल है और यूटी ऑफ लद्दाख का क्या है, बर्ड. तो यूटी ऑफ लद्दाख का एनिमल क्या है, स्नो लेपर्ड. क्या है, स्नो लेपर्ड. एंड इसका जो बर्ड है वो क्या है, अपना ब्लैक नेक्ड क्रेन. ओके, तो क्या है इसका, क्या है, ब्लैक नेक्ड क्रेन. तो आपको, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने इनके जो बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो भी आपने लर्न करने हैं, और वो आप खुद ढूंढ के लिखोगे इनके सामने. ठीक है, जब आपने नोट्स बनाओगे तो उसमें अपने बर्ड्स और ये एनिमल्स के नाम के सामने आपको इनके ये नाम भी याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 222 ये क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ISFR 2021. तो ये क्या पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है कि कौन सी करेक्ट है. स्टेटमेंट वन है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैड वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑफ 4,270 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया इन 2019 had 4,155 square kilometer of same forest category in 2001. जो latest report आई है ये. तो option number second क्या है, ये statement second क्या है, this is the highest loss of very dense forest anywhere in India. And third statement क्या है, Jammu and Kashmir has shown increase in open forests. तो अब ये पूछा है which of the above statements are correct. अच्छा, ये statements को correct जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अपने Indian State of Forest Report 2021 के डिटेल्स. आपको जेएनके के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि उसमें, उस स्टेट रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया आपने जेएनके के बारे में. एंड चलो देख लेते हैं इसमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है. तो इसमें स्टेटमेंट सारी ही करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं. अच्छा, तो करेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें बोल रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑफ जे एन के, क्योंकि ये पहले क्या था, 4,207, देर इज लॉस ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि पहले ज्यादा था ये, जब लास्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके बाद ये कम हो गया, 4,155 हो गया. तो दैट मीन्स देर इज अ डिक्रीज इन
डेंस फॉरेस्ट, एंड उसमें क्या बोला है कि ओपन फॉरेस्ट जो है, ओपन फॉरेस्ट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. अब आपको इसको कैटेगराइजेशन का पता होना चाहिए कि ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं. ओपन फॉरेस्ट आर बेसिकली द लैंड्स जहाँ पर ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज़्यादा होती है बट लेस देन 40%. ट्री कैनोपी क्या होती है, जैसे ये ट्री है और ये ट्री की ब्रांचेज हैं, ओके थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है इतनी, बट ठीक है, जो इसके नीचे ये आ रहा है इसकी कैनोपी, इसकी शैडो जहाँ पर पड़ रही है वो वाला एरिया सारा, ओके तो ये हमने पढ़ लिया ये वाला. तो इसका मतलब आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पढ़नी है. विद रिस्पेक्ट टू इंडिया भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में सबसे मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट है, अंडर ट्रीज, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 223 क्या पूछ रहे हैं, दिस टाइप इज फाउंड इन द इनर वैलीज ऑफ हिमालयाज वेयर साउथ वेस्ट समर मॉनसून इज फीबली फेल्ट एंड द प्रेसिपिटेशन विच इज यूजली लेस देन 1000 millimeters falls mainly as snows in the winter months. Okay, तो ये basically एक forest की categorization बता दी है. तो ये बता रही है कि कौन से forest को define कर रही है ये वाली statement. Options देख लेते हैं. Option number A, alpine forest. Option number B, Himalayan dry temperate forest. Option number D, subtropical dry evergreen forest. या option number D, subtropical pine forest. तो answer क्या रहेगा 223 का, तो इसका answer रहेगा हमारा option number B, Himalayan dry temperate forest. हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट की इसने स्पेसिफिकेशन बता दी हुई है कि यहाँ पर क्या है, इट इज़ द बेसिकली द इनर वैलीज ऑफ हिमालयाज वेयर साउथ वेस्ट समर इज फीबली फेल्ट एंड द प्रेसिपिटेशन कम रहती है, किससे कम रहती है, लेस देन 1000 mm एंड देयर इज बेसिकली स्नोज इन द विंटर मंथ्स. तो ये किसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है, ये बेसिकली ये वाला जो जो हमारा ये हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये बेसिकली फाउंड होता है इनर ड्राई रीजन्स ऑफ हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख. तो ये कहाँ फाउंड होता है, लद्दाख में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 224, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड रिजर्व्स इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK. अच्छा ये वेटलैंड रिजर्व, एक तो मैंने आपको रामसर वेटलैंड के बारे में बताया था, रामसर साइट्स कौन सी है हमारे JNK में वो पता होनी चाहिए, यूटी ऑफ लद्दाख में कौन सी है वो भी पता होनी चाहिए. अच्छा वेटलैंड रिजर्व्स अलग आ गए, एक तो है ना जो रामसर ने स्पेसिफाई किए हुए हैं या रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं, और बाकी वेटलैंड रिजर्व्स का भी पता होना चाहिए कि कितने वेटलैंड रिजर्व्स हैं हमारे JNK में. ओके तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए घराना, ऑप्शन नंबर बी परगवाल, ऑप्शन नंबर ई कुकारियान एंड ऑप्शन नंबर डी नंगा. तो इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर नहीं है, जम्मू में नहीं है, तो जम्मू में बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर डी नंगा नहीं है, ये कहाँ पर है, ये सांबा में है. कहाँ पर है, ये सांबा एरिया में है. घराना वेटलैंड आपको पता है, परगवाल कुकारिया ये सारा कहाँ पर है, ये हमारा जम्मू में फॉल करता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 225 ये क्या पूछ रहा है, कश्मीरी मस्क डियर जिसका नाम यहाँ पर आ गया, बायोलॉजिकल नेम आ गया, इज लिस्टेड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एज ऑफ अप्रैल 2023 जो लिस्ट निकाली गई है उसमें ये क्या लिस्टेड है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर बी एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर सी नियर थ्रेटन्ड और ऑप्शन नंबर डी वल्नरेबल. तो ये क्या रहेगा, अच्छा जो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो एनिमल्स फाउंड होते हैं उनकी कैटेगराइजेशन क्या है IUCN में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसमें क्या उसको शेड्यूल में डाला गया है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ओके तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा एंडेंजर्ड. जो हमारा मस्क डियर है वो कौन सी कैटेगरी में है, अपनी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो लिस्ट निकालती है उसमें किसके अंडर है, ये है एंडेंजर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 226 क्या पूछ रहे हैं, इन जम्मू रीजन दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सब ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट, दीज आर प्रैक्टिकली श्रब फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रीज इंक्लूडिंग थॉर्नी स्पीशीज, दीज आर प्रैक्टिकली श्रब फॉरेस्ट. अच्छा ये फिर से लाइन आ गई, ये नियम. अच्छा ये पूछ रहे हैं कि कौन से फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट की कैटेगरी ये स्पेसिफिकेशन बताई हुई है तो आपको बताना है कौन सा फॉरेस्ट है ये. ऑप्शन नंबर ए हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट या ऑप्शन नंबर डी सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट. तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये बेसिकली क्या है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं चीजें समझा रही हूँ. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 227, अजस्ट कंजर्वेशन रिजर्व्स
अजस कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो कंजर्वेशन रिजर्व भी हैं हमारे यहाँ पर, वो भी आपको थोड़े देखने पड़ेंगे कौन कौन से एरियाज में फॉल करते हैं. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए कठुआ, ऑप्शन नंबर बी बांदीपोरा, ऑप्शन नंबर सी पुंछ और ऑप्शन नंबर डी बारामूला. तो ये बेसिकली कहाँ पर है, ये हमारा है अपना बांदीपोरा में. ओके, ये कहाँ पर फॉल करते हैं, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 228 क्या पूछ रहा है, एज इन अप्रैल 2022 स्नो लेपर्ड जिसका नाम क्या है पेंथेरा यूनशिया इज लिस्टेड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एज. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो फेमस एनिमल्स हैं जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डीर हो गया, चीरू हो गया, फिर अपनी मारखोर डीर हो, मारखोर गोट होगी, तो इनके IUCN लिस्ट में क्या है ये और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कौन से शेड्यूल में है, तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी. ओके, अगर आप स्पेसिफिकली JNK UT की बात करें, लद्दाख UT की बात करें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर बी एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर सी नियर थ्रेटन्ड और ऑप्शन नंबर डी वनरेबल. तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये फॉल करता है हमारा वनरेबल में. 228 क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 229, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड प्लेसेस यू विल फाइंड द तिब्बतन एंटीलोप और चीरू. अभी मैंने इसके बारे में बताया आपको कि इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ये कुछ एनिमल्स के नाम जो मैं लिखा रही हूँ, स्नो लेपर्ड, चीरू, मारखोर, इनके बारे में आप ये तीन तो आपको लर्न करके ही जाने हैं. ओके, अच्छा इसका नाम क्या आ गया, पेंथलोप्स हॉगसिनी. आई एम सॉरी मेरी प्रोनंसिएशन इन वर्ड्स की, आई डोंट नो असली में ऐसे क्या है, बट फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए एक. ओके, ऑप्शन ए देख लेते हैं. ऑप्शन ए काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी राजपारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऑप्शन नंबर डी हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, तो आइए पूछ रहा है कि चीरू कहाँ पर फाउंड होता है, तो ये कौन सी सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फाउंड होता है, तो ये अपना काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फाउंड होता है, जो हमारे कहाँ पर है, ले इन डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख एरिया. ओके, इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ मैं आपको. तो चीरू जो है कि किसी के लिए फेमस है, बेसिकली ये अपनी इससे क्या बनते हैं, अपने शहतूश के शॉल, जो शहतूश शॉल हैं वो एक्चुअली चीरू गोट्स के ही बनते हैं, इसके फर से ही बनते हैं. अच्छा, बाकी दूसरा हमारा क्या ऑप्शन है, राजपारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. राजपारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, अपनी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग. कहाँ पर है ये, अनंतनाग. अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जो राजपारिया वाला है इसको हम दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है, इसको इज ऑल्सो नोन एज दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में फॉल होता है ये. एंड लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी बारामूला में है. कहाँ पर फॉल करता है ये, इनके लोकेशंस पता होने चाहिए कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं ये अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हमने कर लिया, बारामूला. ओके, एंड लास्ट में क्या है, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पर है अपना शोपियाँ में, जो कहाँ पर है अपना शोपियाँ में. तो ये पढ़ लिया हमने लोकेशंस के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 230, द नेशनल पार्क एनकंपासेस द कैचमेंट एरिया ऑफ खैबरनाथ एंड कियार नालाज ऑफ ऑल ऑफ विच ड्रेन साउथ वेस्ट इनटू रिवर लोकली कॉल्ड एज मारीफ सुधीर. ओके, तो ये पूछ रहा है, ये नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जिसमें कैचमेंट एरिया ऑफ खैबरनाथ एंड कियार नाला जो है ये यहाँ पर ड्रेन करते हैं, जो कौन से रिवर में, मारीफ सुधीर में ड्रेन करते हैं. तो ये मारीफ सुधीर में ड्रेन करते हैं और ये मारीफ सुधीर बेसिकली मारवा रिवर जो है, मारवा रिवर का जो लोकल नेम है उसको मारीफ सुधीर बोला जाता है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए दाचीगम नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी काजीनाग नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी किश्तवाड़, ऑप्शन नंबर डी सलीम अली नेशनल पार्क. तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क. ओके, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क 1981 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था. ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है. एंड दूसरा है दाचीगम नेशनल पार्क,
दाचीगम नेशनल पार्क, इसको भी 1981 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था. ओके, एंड दाचीगम का कुछ और एक चीज पॉइंट पढ़ लेते हैं. यहाँ पर हमें हंगुल डियर मिलता है ना, हंगुल डियर जो मैंने कश्मीरी स्टैग बताया हमारा क्या है, वो नेशनल सॉरी यूटी का बर्ड एनिमल है, सॉरी यूटी का एनिमल जो है हमारा जेएनके का. तो दाचीगम में क्या मिलता है हमारा, दाचीगम में मिलता है हमारा कश्मीरी स्टैग, कश्मीर स्टैग, और इट्स नोन एज हंगुल, हंगुल. ओके, अच्छा ये हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया. एंड ये कहाँ पर फॉलो होता है, ये फॉलो होता है लोकेटेड इन जबरवन रेंज. ओके, नेक्स्ट क्या है, काजीनाग नेशनल पार्क. तो ये कहाँ पर है, काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली इट इज लोकेटेड क्लोज टू LOC इन बारामूला. ओके, एंड सलीम अली नेशनल पार्क. सलीम अली नेशनल पार्क का क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली जो हमारे इंडियन ऑर्थनोलॉजिस्ट है, जो सॉरी ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स के स्टडी करते हैं, सलीम अली, उसके नाम पे ये पड़ा है. ओके, तो उनके नाम पे ये पड़ा है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231 क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क. कौन सा फॉरेस्ट जो नेशनल पार्क है उसका नाम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है. अगर कोई नेशनल पार्क है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया हमने, जैसे मैंने बताया राजपारियां का सेकेंड नाम क्या है, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर दूसरा कोई नाम, अगर किसी नेशनल पार्क का कोई सेकेंड नेम है तो वो आपको आइडिया होना चाहिए. ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए दाचीगम, ऑप्शन नंबर बी काजीनाग, ऑप्शन नंबर सी किश्तवाड़, और ऑप्शन नंबर डी सलीम अली. तो मैंने अभी को बताया कि जो सलीम अली थे ही वॉज फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट, एंड तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सलीम अली. जो सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया था, सलीम अली नेशनल पार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 232 क्या पूछ रहे हैं, नोटिफाइड इन 1986 लेटर दिस पार्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स. ओके, तो ये जो पार्क है ये बेसिकली नोटिफाई किया गया था 1986 में, एंड उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में. तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए दाचीगम नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और ऑप्शन नंबर डी सलीम अली नेशनल पार्क. तो कौन से नेशनल पार्क को कन्वर्ट करके ये बना दिया गया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सलीम अली नेशनल पार्क. सलीम अली नेशनल पार्क को क्या किया गया था, इसको लेटर पार्क दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स. और ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स किसने कन्वर्ट किया था, इट वाज कन्वर्टेड बाय फारूक अब्दुल्ला जो हमारे उस टाइम पे सीएम थे. तो उन्होंने इसका ना इसको चेंज करके अपना स्प्रिंग गोल्फ कोर्स बना दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 233 द सेंचुरी इज रफली वेज शेप्ड एंड इज लोकेटेड इन कारनाला विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू तावी रिवर. ओके, तो सेंचुरी इसके बारे में ये बताया है, इसकी कौन सी सेंचुरी है जो कहाँ पर लोकेटेड है, अपने एक लोकेटेड इन कार नाला पे है, एंड विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू तावी रिवर. तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए जसरोटा, ऑप्शन नंबर बी नंदनी, ऑप्शन नंबर सी त्रिकुटा, और ऑप्शन नंबर डी रामनगर. तो ये कौन सी सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सी सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, ये रामनगर सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रामनगर सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं. और रामनगर सेंचुरी हमारी कहाँ पर है, रामनगर सेंचुरी हमारी है जम्मू एरिया में. ओके, रामनगर सेंचुरी हमारी कहाँ पर है, जम्मू एरिया में. एंड बात करेंगे अगर हम जसरोटा की, नंदनी की, तो जसरोटा एंड नंदनी जो है ये दोनों कहाँ पर हैं, जसरोटा कहाँ पर है हमारा कठुआ में, एंड नंदनी कहाँ पर है हमारा जम्मू में. ओके, एंड त्रिकुटा की बात करें तो त्रिकुटा कहाँ पर है अपना कटरा में. ओके, कहाँ पर है अपना कटरा में, ये सेंचुरीज आ गई हमारी. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 234 विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व. कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेरी विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इज लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो उसके अंडर फॉल करती है. ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो कौन सी ऐसी सेंचुरी है
जो अपने डार्क स्काई रिजर्व में फॉल करती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे, कौन सी सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉल करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज लोकेटेड इन ले, दैट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ले ऑफ लद्दाख। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओके, कंसिडर स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया ये। अच्छा, स्टेटमेंट्स देख लेते हैं और इसमें हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं दोनों में से। स्टेटमेंट वन क्या है? तिब्बतन एंटीलोप चिरू इज लिस्टेड एज शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, एंड सेकेंड क्या है? शतुश वूल्स ऑब्टेन फ्रॉम तिब्बतन एंटीलोप चिरू विच माइग्रेट्स फ्रॉम तिब्बत टू लद्दाख इन समर। ऑप्शंस ओके, ये दे दिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली, ऑप्शन नंबर बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर जो पाया जाता है चिरू पाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में फॉल करता है, या फिर ये अपना IUCN में कौन से स्टेटस में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू। तो वन एंड टू का क्या मतलब आ गया? कि ये शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फॉल करता है, एंड इससे कौन सी वूल मिलती है? शतुश वूल। और चीरू को तिब्बतन एंटीलोप भी बोला जाता है, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। तिब्बतन एंटीलोप इज ऑल्सो नोन एज चीरू। ओके, एंड बात करें इसके IUCN स्टेटस में, तो ये IUCN स्टेटस में क्या है? IUCN स्टेटस में इसका क्या है? इट इज नियर थ्रेटेंड। क्या है? नियर थ्रेटेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, आप प्लीज कहीं नोट डाउन करें उनको, ठीक है? क्योंकि आपके बाद में रिवीजन में मैं बार बार हर एक MCQ वीडियो में बोलती हूँ कि आप जब आप रिवाइज करोगे ना, ये शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन विच ईयर? आई गेस लास्ट वीडियो, लास्ट MCQ सेशन में या उससे पहले वाले MCQ सेशन में मैंने आपको सारे वेटलैंड के बारे में, रामसर साइट्स जो थी उनके बारे में बताया था, एंड आई गेस उनकी ईयर, कौन से ईयर में वो फॉर्म हुए थे, कौन से ईयर में मतलब रामसर साइट बनाए गए थे, वो भी मैंने ईयर बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट थे। तो वो अगर आपने नहीं देखे लास्ट वीडियो देखो, क्योंकि मैं तभी आपको बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने से पहले, अगर आप नए बच्चे हो तो अगर आज आप वीडियो देख रहे हो, आप पुरानी वीडियोस भी जरूर देखें, क्योंकि मैंने बड़े सारे पॉइंट्स पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। ओके, चलो आप पढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2016, और ऑप्शन नंबर डी 2022। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2022। तो शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कब डिक्लेयर हुई थी रामसर साइट हमारी? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मार्कोर? फिर से मार्कोर का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया मार्कोर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम यू शुड नो, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको नाम दे दिया आपको पता ही नहीं होगा फिर। अब अगर आपको मार्कोर भी पता होगा बट उसका ये नाम अगर ऑप्शन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? पता होने के बावजूद भी आप गलत कर कराओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका जो बायोलॉजिकल नेम है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट, इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड ऑप्शन नंबर सी दिस माउंटेन गोट इज फाउंड इन दचिगम नेशनल पार्क इन कश्मीर, और ऑप्शन नंबर डी इट इज कार्निवोर। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 237 का? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर हम बात करें इसकी IUCN में, तो IUCN में ये क्या है? ओके, IUCN में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? इट इज बेसिकली डिक्लेयर नियर थ्रेटेंड, इट इज नॉट वल्नरेबल, इट इज नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड। ओके, अच्छा सी क्या स्टेटमेंट है? दिस माउंटेन गोट इज फाउंड इन दचिकम नेशनल पार्क, दचिकम नेशनल पार्क कश्मीर स्टाइल फाउंड होता है, ये नहीं फाउंड होता वहाँ पर। तो ये कौन से एरिया में फाउंड होता है? 237 ये होता है काजीनाग नेशनल पार्क एंड हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर फाउंड होता है ये? काजीनाग नेशनल पार्क
एंड हीरापोरा, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीनाग नेशनल पार्क एंड हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पर फाउंड होते हैं बेसिकली दोनों एरियाज में। ओके अच्छा, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बेसिकली बोला जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन गोट। इसको क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माउंटेन गोट, लार्जेस्ट माउंटेन गोट इन द वर्ल्ड। ओके ये भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। कहाँ कहाँ पर फाउंड होता है? डचिगम में नहीं फाउंड होता, ये फाउंड होता है काजीनाग नेशनल पार्क, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एंड इट इज़ नॉट कार्निवोर, कार्निवोर गोट इज नॉट कार्निवोर, गोट इज हर्बीवोरस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन विच ईयर। ओके तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो JNK से रिलेटेड है, तो ये कौन से ईयर में इनएक्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1978 और ऑप्शन नंबर डी इट्स 1983। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कौन से ईयर में इनएक्ट हुआ है? ये इनएक्ट हुआ है 1983, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इट वॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, JNK वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वॉज इनएक्टेड इन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी इट्स नॉट 1983, इट्स 1978, इट्स 1978, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय JNK गवर्नमेंट इन विच इट विल टेक 1500 विलेजेस फॉर ग्रीनिंग ऑफ लैंड्स आउटसाइड फॉरेस्ट इन 2022 बाय 2023 बाय प्रोवाइडिंग फ्री सैपलिंग्स, सीड बॉल्स एंड ग्रास स्लिप्स। तो कौन से ऐसे प्रोग्राम के बारे में ये बता रहा है जिसमें JNK गवर्नमेंट क्या करेगी 1500 विलेजेस में ग्रीनिंग ऑफ लैंड्स आउटसाइड फॉरेस्ट, जहाँ पर उनको मतलब आउटसाइड फॉरेस्ट वाले एरिया में वहाँ पर उनको सेपलिंग्स दी जाएंगी उगाने के लिए, पेड़ उगाने के लिए दिए जाएंगे, सीड बॉल दी जाएंगी या ग्रास स्लिप्स दी जाएंगी ताकि वहाँ पर ग्रीनरी हो सके। ओके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हरित अभियान, ऑप्शन नंबर बी वन बीट गार्ड वन विलेज, ऑप्शन नंबर सी मिशन 33% और ऑप्शन नंबर डी फॉरेस्ट फॉर लाइफ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा वन बीट गार्ड वन विलेज। ओके तो ये इसके अंदर इसका ये इनिशिएटिव है हमारे JNK गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच एंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एक्सपेंसिव वूल शतूश। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अब तो आपको आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। शतूश के बारे में बात हो रही है तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए नील गाय, ऑप्शन नंबर बी चीतल, ऑप्शन नंबर ई कश्मीरी गोट, ऑप्शन नंबर डी चीरू। द आंसर इज चीरू। किसके बारे में बात हो रही है? ये अपने चीरू के बारे में। और चीरू के बारे में मैंने क्या बताया, ये IUCN में किस में है? नियर थ्रेटेंड में है। और ये अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या है? फिर से एक और बार लिखा देती हूँ मैं आपको, ये IUCN में क्या है? नियर थ्रेटेंड है, सॉरी नियर थ्रेटेंड। IUCN में क्या है? ये नियर थ्रेटेंड है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये कहाँ पर है? ये अपना शेड्यूल वन है। नियर थ्रेटेंड एंड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कहाँ पर है? ये अपना शेड्यूल वन में है। ओके एंड ये कहाँ पर फाउंड होता है? अपना काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर फाउंड होती है ये? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे कहाँ पर फाउंड होती है? कहाँ पर है इसकी लोकेशन? ले। ओके तो ठीक है, आज का सेशन फिर हम यहीं तो रखते हैं, ये हमने आज क्वेश्चन कर लिए। अच्छा कल से इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होंगे, कल से मैं स्टार्ट करूंगी अपना आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK। ओके तो वो आपको MCQs देखने हैं। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ मेरी पुरानी MCQs वीडियोज़ भी एक बार ज़रूर देखें। ओके रिवाइज करते रहें। एंड कुछ होमवर्क आपके लिए आज, कुछ मैं आपको डेज के बारे में पूछूंगी, आपको उनकी डेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है पहले पढ़ते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे मुझे ये सारे आंसर। मैं चार आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ और ये मुझे इनके आंसर्स चाहिए। पहला क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? ओके ये आ गया सेकेंड। एंड एक और है इसमें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है?
एंड लास्ट में है अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, इन चारों की डेट्स आपने नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखनी है. ओके एंड एक और चीज़ मैंने आपको शायद पहले वीडियोस में बताया था, ये इंडिपेंडेंस वीक पे हमने एक ऑफर लॉन्च किया था जिसमें हम सारे कोर्सेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज विल ऑल बी ऑन 15% ऑफ. ठीक है, ये हमारे सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज पे 15% ऑफ रहेगा. और ये आज ऑफर जो वैलिड है, ये वैलिड है आज तक ही है, ये 19 अगस्त तक ही है, आज ही रहेगा. तो अगर जिसको ये ऑफर बाय करने हैं वो अब आज बाय कर सकते हैं और उनको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज 15% ऑफ. जो ऑनलाइन वाले हैं ना उनके लिए कूपन है, मैं लिख देती हूँ, जब आप वहाँ अगर आप जब बाय करने जाओगे तो तब भी आपको ये शो हो जाएगा, तो दैट इज IND15. ठीक है, तो ये लिखोगे तो आपको इंस्टेंटली 15% ऑफ हो जाएगा. एंड दैट टू फॉर ऑफलाइन ऑल्सो. अगर आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करेंगे, ये नंबर्स नीचे गिवन है. ओके, आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लेना. तो आप अगर ऑफलाइन कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको 15% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा हमारे सारे कोर्सेज पे. ओके ओके, हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी गिवन है. आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी. प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.